भारत का कुल निर्यात अक्टूबर 2021 में खासा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2021 में कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर 56.51 अरब डॉलर होने का अनुमान है। अक्टूबर 2020 की तुलना में ये 35.16% ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा है कि अक्टूबर 2021 में कुल आयात 68.09 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 57.32% बढ़ा है। इससे पहले सितंबर में इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात सालाना आधार पर 21.35% बढ़कर 33.44 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2021 में वस्तु आयात 84.75% बढ़कर 56.38 अरब डॉलर हो गया था। एक साल पहले इसी महीने में यह 30.52 अरब डॉलर रहा था। यह सितंबर 2019 की तुलना में भी 49.58% अधिक है। तब आयात 37.69 अरब डॉलर था। मंत्रालय ने कहा था कि सितंबर 2021 में वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 33.44 अरब डॉलर का हो गया, जो कि सितंबर 2021 में 27.56 अरब डॉलर के निर्यात के मुकाबले 21.35% और सितंबर 2019 में 26.02 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में 28.51% अधिक है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात महीने के दौरान सितंबर 2020 की तुलना में 36.7% बढ़कर 9.42 अरब डॉलर रहा। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 39.32% उछलकर 4.91 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आंकड़े के अनुसार रत्न और आभूषणों का निर्यात 19.71% बढ़कर 3.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान दवाइयों के निर्यात में हालांकि 8.45% की कमी देखी गई। वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2021 में निर्यात 197.11 अरब डॉलर रहा, जो इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में 125.61 अरब डॉलर के मुकाबले 56.92% और अप्रैल सितंबर 2019 की तुलना में 23.84% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।